हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टर्म इन एग्जामिनेशन जून जुलाई 2021 का कोर्स कोड एमईसीई 004 वित्तीय संस्थाएं एवं बाजार इनका टाइटल है। और मैं इस वीडियो में हिंदी मीडियम से जो सेकेंड ईयर इग्नू एमए इकोनॉमिक्स का एक पॉपुलर इलेक्टिव पेपर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, उसी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इंग्लिश का सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा मेजर डीडीआई क्वेश्चंस है इस कोर्स कोड एमईसीई 004 का। किन्स के मुद्रा की मांग एवं मिल्टन फ्रिडमैन के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, ये पहला और ये दोनों के बीच का डिफरेंसेस आपको करनी है, क्या दोनों में अंतर है। मोदी गिलियानी मिलर संकल्पना करना है, ब्लैक सॉल सूत्र वित्तीय उपस्करों के संदर्भ में, ठीक है, वो तैयार करनी है। शेयर समुच्चयन के मार्कोविट्स के सिद्धांत एवं पूंजी परिसंपदा कीमत निर्धारण सिद्धांत, ये दो सिद्धांत आपको करनी है। निवेश बैंकों के प्रमुख कार्य, दक्ष बाजार परिकल्पना, मुद्रा का किस प्रकार सृजन किया जाता है व्यावसायिक बैंकों द्वारा लोन के लिए, वो तैयार करनी है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की भूमिका एवं कार्य, जिसको सेबी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फीसर संकल्पना, स्फीति एवं ब्याज दरों के संदर्भ में। थिर एवं नमय, विनिमय दरों के संपेक्षिक गुण एवं मुद्रा परिवर्तनीयता की संकल्पना। व्युत्पन्न परिसंपत्तियां, विकल्प संकल्पना, अमेरिकी एवं यूरोपीय विकल्प। सार्वजनिक प्रस्ताव क्या है और इसकी क्या लागतें हैं। किसी अर्थव्यवस्था में स्टॉक बाजारों की क्या भूमिका होती है। ये सारा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीका से आप प्रिपेयर कर सकते हो। रैखिक प्रायिकता प्रतिमान, मौद्रिक नीति के प्रमुख के उपस्कर, ठीक है। अंतरपणन कीमत निर्धारण सिद्धांत, केंद्रीय बैंकों के प्रमुख कार्य। 18 नंबर में कोष प्रवाह खाता किसी देश का क्या होता है और इसका क्या महत्व है। 19 नंबर में मैंने किया हूं वित्तीय परिसंपत्तियां और इससे जुड़ी जोखिम के प्रति तीन दृष्टिकोण पर आपको नोट्स तैयार करनी है। और अंतिम में मैंने किया हूं शुल्क संघ मुक्त बाजार क्षेत्र, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की प्रमुख उपलब्धियां एवं विफलताएं क्या थी, जो आप ये वाला 20 नंबर, ठीक है, आप करोगे तो पेपर एमईसी जो 007 का भी कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड है, जो बीच में मैं उधर भी नहीं बताया, जैसे आपको ये वाला टॉपिक जो कह सकते हैं थिर एवं नमय, विनिमय दरों के संपैचिक गुण, तो वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जितना मैंने 20 मेजर वीवीआई क्वेश्चन मैं इस पेपर के लिए सेलेक्ट किया हूँ, आपको इंश्योर करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, और जहां से भी आएगा आप आराम से अपने आंसर शीट को, मैंने 100% आप अपना आंसर को, एक क्वेश्चन जहां भी आएगा तो मैं 100% इंश्योर हूं, और आप भी इंश्योर हो जाइए कि आप लिखने के लिए एबल होंगे। और आई होप कि बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कोर्स कॉल्ड व्हेन एवर एग्जामिनेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड, जय हिंद।